नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। 5 महीने पहले भीमगढ़ खेड़ी पार्ट 3 के निवासियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जब गुरुग्राम के विधायक ने कॉलोनी में सीवर लाइन डालने और सड़क निर्माण करने के लिए नारियल फोड़ कर उद्घाटन किया। कॉलोनी वासी इस बात से खुश थे कि अब उनके भी दिन बहुरेंगे और उन्हें भी साइबर सिटी की अन्य कॉलोनियों जैसी सुविधा मिलेंगी, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही समय में काफूर हो गई। ना खुदा मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे। सर, आपने कैमरा घुमा के दिखा दो, क्या समस्या है? जीना दुभर हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल नरक में जी रहे हैं, बिल्कुल गंदगी से बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, मतलब सांस लेने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये गंद आज से नहीं है, 4 महीने तो इस गली को ऐसे ही हो गए हैं, बिल्कुल मतलब रहना बिल्कुल ही दुभर हो रहा है। कितनी कंप्लेंट कर दी, कितने SDO के, कितने JEE के, सब के चक्कर काट लिए, कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं, ना तो उन्हें मिलता ना हमें मिलता। फ़ोन करते हैं डेली, पार्षद को भी शिकायत की है। हाँ जी बिल्कुल, शिकायत पार्षद से, पार्षद के पास तो डेली फ़ोन जाते हैं, डेली फ़ोन जाते हैं उनके पास। इनफैक्ट यहाँ की लेडीज़ इकट्ठी होकर हम सारे जाते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी कोई कुछ नहीं सुनता, बिल्कुल भी कोई सुनवाई है ही नहीं किसी चीज़ की। अब यहाँ के लोग भी ये सबर करके बैठ गए अब तो, कि जी कोई नहीं है, ना कोई मीडिया है, ना कोई कायदा कानून है, ना कोई कोई कुछ नहीं है। ठेकेदार वेकेदार सब जी एक जैसे ही हो रहे हैं। समस्या आई सर, यहाँ पे समस्या ही समस्या है। हम सोच रहे स्कूल खुलने तक शायद यहाँ पे सुधार हो जाए, पर नहीं, पॉसिबल नहीं है यहाँ पे सुधार होना। इतना टाइम हो गया, फरवरी में ये शुरू हुआ था, अब तक भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी बारिश आ जाए अभी पानी भर जाएगा, और हम तो ये चाहते हैं जल्द से जल्द हमारे बच्चों के स्कूल अच्छे से खुल गए हैं, तो कम से कम यहाँ पे तो हम इतनी दूर छोड़ने जाता है बच्चे को स्कूल के लिए, तो हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर बच्चों का कोई सोल्यूशन नहीं है तो हमारा भी यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं है। कि मलबा इस तरह से डाला हुआ है। हाँ ये तो सर दिक्कत है ही सर, पानी भरता है और बाइक भी नहीं लेके जा सकते, यहाँ से वहाँ तक तो पैदल ही जाना पड़ता है आगे तक, ऑन रोड तक। सर प्लीज, हम हाथ जोड़ के यही कहते हैं यहाँ का सोल्यूशन करा दो, प्लीज जल्द से जल्द सड़क बनवा दो, लास्ट बार बोल रहे हैं, प्लीज यहाँ पे सड़क बनवा दो, और कुछ नहीं सोल्यूशन है। बता दें आप सभी को कि 5 माह पहले शुरू हुआ सीवर लाइन डालने का कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका। उस पर तुर्रा ये है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण के लिए मलबा डाल दिया, मलबा भी इस कदर डाल दिया गया कि लोगों का गली में निकलना भी दुश्वार हो गया, ना तो कोई व्हीकल जा सकता है, ना ही कोई व्हीकल गली में आ सकता है। भीमगढ़ खेड़ी पार्ट 3 के निवासियों की माने तो अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही है, लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? इसके अलावा मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट घोषित किया है। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो कॉलोनी वासियों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। गली में 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, ऊपर से ये मलबा उनके जी का जंजाल बन गया है। निगम अधिकारियों से लेकर पार्षद तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वह लोग किसी स्लम बस्ती में रह रहे हो। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने CM साहब को, अपने दुष्यंत डिप्टी CM साहब को और कमिश्नर साहब को अवगत करा देना चाहता हूँ। काफ़ी समय से 5 महीने हो गए इस कार्य को होते हुए, अपने नगर MLA साहब है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन करने के बाद काफ़ी टाइम से, पहले तो बहुत कीचड़ था, सांस भी नहीं लिया जा रहा था, और भगवान ना करे अगर अब बारिश हो जाती है ना तो इतना बुरा हाल हो जाएगा, बच्चे क्या कोई भी नहीं निकल सकते, 4-4 फुट नीचे पानी चले जाएगा। ये 4-4 फुट है, ये गहरा है यहाँ पर, और 4-4 फुट पानी भर जाएगा क्योंकि निकलने का रास्ता नहीं है यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो ये पत्थर डाले हुए हैं, इतने पत्थर डाल गए, इनके निकम्मे ठेकेदार हैं, बार बार कहने पर भी ना तो वो सुनता है। कम हमने तो एक्शन साहब से भी शिकायत की इसकी, SDO साहब से भी, JEE साहब से भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। बार बार कहने के बाद भी पार्षद तो इसको अनदेखा कर रहा है, पार्षद के पास जब खबर जाती है तो कह देता भी हमने तो इस खेड़ी वालों को वोट दी नहीं, तो वो तो इस तरह इग्नोर करने लग रहा है इस एरिए को कि भैया आगे से इसने आना ही नहीं इधर। तो मैं अपने MLA साहब को कहना देना चाहता हूँ, साहब आप अपने संज्ञान में लेकर इस कार्य को करवाए, और कमिश्नर साहब को कह देना चाहता हूँ, कमिश्नर साहब इसको जल्दी से जल्दी करवाए, ऐसा ना हो कि ये भीड़ जो है इनका ऊपर सिर से ऊपर पानी चला गया, उग्र हो जाए और निगम को घेरने का कार्य करे। तो हम तो खुद चाहते हैं प्यार से
और अपनी छत की ये कार्य हो जाए। हमारी कोई इच्छा नहीं निगम को घेरना ना इनको इतना, लेकिन जब इतनी सिर से ऊपर पानी चला जाएगा तो इसमें अपनी गलती नहीं है। लोग बाग बहुत तरह उग्र होने लग रही है, बरसात आने लग रही है और जो जितना ये पानी भर जाएगा इसका जिम्मेदार निगम होगा। और ये एरिया नहीं, आप खेड़ी में किधर भी चले जाओ, किसी साइड चले जाओ, आपको हर रोड खुदा मिलेगा, हर रोड खुदा मिलेगा। और कार्य एक भी अगर इसमें जितना भी शेरिए का पैसा है सारा लक्ष्मण बिहार में लगने लग रहा है, भीमगढ़ खेड़ी का पैसा लक्ष्मण बिहार में ले जाकर लगाने लग रहे हैं। सड़कें टूटी हुई है, पानी के लिए तंगी है, पानी के लिए तरस रहे हैं लोग बाग, एक एक बूंद के लिए तरस रही है। तो सर हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी कमिश्नर साहब के संज्ञान में डालकर इस कार्य को करवाए, नहीं तो हम कल निगम ऑफिस में जाएंगे। हमने बार बार कहने के बावजूद भी ये मान नहीं रहे तो हम अपने सिर से ऊपर पानी चले गए, हम अब घेराव करेंगे, ये अपने पास और कोई चारा नहीं है। सड़क निर्माण के लिए डाले गए मलबे को लेकर कॉलोनी वासियों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। कॉलोनी वासियों की माने तो अगर दो दिन में सड़क का निर्माण नहीं शुरू हुआ तो वह लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे और नगर निगम का घेराव कर अपनी व्यथा को रखेंगे, क्योंकि पार्षद साहिबा के पास उनकी समस्या सुनने के लिए वक्त ही नहीं है। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।